नमस्ते, मैं डॉक्टर अनुजा केळकर, मैं साइकेट्रिस्ट हूँ। हम जो हमारी जो अलग अलग भावनाएं होती है, यानी हमें निराशा लगती है, हमें हम होपलेस है, हेल्पलेस है, वर्थलेस है, यानी कोई मीनिंग ही नहीं है हमारे लाइफ को, कोई वैल्यू ही नहीं है हमारे लाइफ को, ऐसे हमें बीच में लगता रहता है। तो इसमें से ये एक भावना जो है, ये मुझे काफ़ी लोगों में दिखती है कि होपलेसनेस बहुत दिखता है। छोटी छोटी चीज़ हो गई कि ऐसा लगता है, नहीं मैं होपलेस हूँ, मेरे से कुछ नहीं हो सकता है। ये जो फीलिंग आते रहती है कि अगर मैंने अच्छे से स्पीच नहीं दिया तो मैं होपलेस हो गया, एकदम हम खुद के बारे में एक आधा जजमेंट पास कर देते हैं, एक हमारे बारे में एक हमारा बना लेते हैं कि नहीं मैं होपलेस हूँ। तो ये जो होपलेस है, ये फीलिंग हमें काफ़ी बार आते रहती है, काफ़ी बार वो निकल भी जाती है। तो जब भी हमको लगता है कि हम होपलेस हैं, उस समय हमने जो भी चीज़ें अच्छी अच्छी लाइफ में की है, पास्ट में की है, उसके बारे में सोचिए, वो लिखिए, उसके बारे में बात कीजिए। और जो भी चीज़ हमने की है जिससे लोगों को फ़ायदा हुआ है, ऐसे चीज़ों के बारे में अगर हम सोचेंगे तो ये चीज़ें है ना, हमें पॉजिटिविटी देती है, एनर्जी देती है, क्योंकि वो हम कुछ है, हम इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ हुई तो हम होपलेस हो गए, ऐसा नहीं है। हमने अच्छी भी चीज़ें की है और उसका वेटेज बढ़ जाता है और हमको वापस आशा हमारे लाइफ में दिखने लगती है और हम फिर से नए उम्मीद से हमारी लाइफ शुरू करते हैं। तो हमारा होपलेसनेस धीरे धीरे कम हो जाता है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट, एज अ साइकेट्रिस्ट मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगी। होपलेसनेस सभी को आता है, थोड़ा थोड़ा, थोड़े टाइम के लिए आना, यानी 2-4 घंटे के लिए आना, 2 दिन के लिए आना इज़ ओके। लेकिन अगर होपलेसनेस जो है, ये अगर लगातार चल रहा है, बहुत निगेटिविटी आ रही है, लगातार अगर वो तकलीफ दे रहा है और उसकी वजह से अगर डिप्रेशन आपको आ रहा है, तो मेरी एक सलाह है कि साइकेट्रिस्ट से ज़रूर मिलिए, हेल्थ प्रोफेशनल, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से ज़रूर मिलिए। क्योंकि लगातार अगर सस्टेंड ये इमोशन है या सस्टेंड थॉट्स है तो ये अच्छा नहीं है। और ये जो वीडियो है, ये सिर्फ उसी के लिए है कि आपको अगर छोटे छोटे समय, थोड़े थोड़े समय के लिए अगर ये होपलेसनेस आ रहा है तो इसका आप अमल करेंगे तो आपका होपलेसनेस कम होने के चांसेस है। सस्टेंड है, यानी लगातार चल रहा है, तो फिर वो अलार्मिंग है और उसके लिए साइकेट्रिस्ट की मदद ले, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की मदद ले, ताकि इसमें से आप पूरी तरह बाहर आ सके। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।